आज इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के एक्टर के किड्स के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस के किड्स का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार के किड्स के बारे में। तो एक्टर अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के साथ साल 2001 में शादी की है। बात करें अक्षय कुमार के किड्स की तो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के दो किड्स हैं, आरव कुमार और नितारा कुमार। आरव कुमार का जन्म 15 सितंबर 2002 में हुआ था, वहीं नितारा का जन्म 25 सितंबर 2012 में हुआ है। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के किड्स की बात करें तो शाहरुख खान ने गौरी खान के साथ साल 1991 में शादी की थी। शाहरुख खान और गौरी खान के तीन किड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा आर्यन खान का जन्म 1997 में हुआ है, वहीं उनकी डॉटर सुहाना खान का जन्म साल 2000 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 21 साल। वहीं सबसे छोटा बेटा अबरम खान का जन्म साल 2013 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 8 साल। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट से जाने जाने वाले एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर आमिर खान की बात करें तो आमिर खान ने दो शादियां की है, जिसमें साल 1986 में उन्होंने रीना दत्ता के साथ शादी की थी। आमिर खान और रीना दत्ता ने 1993 में बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम जुनैद खान है और वो अभी 28 साल के हो गए हैं। आमिर खान और रीना दत्ता ने 1997 में डॉटर को जन्म दिया था, जिसका नाम ईरा खान है और वो अभी 24 साल की है। वहीं आमिर खान ने साल 2005 में किरण राव के साथ शादी की थी। वहीं ये कपल ने हाल ही में साल 2021 में डाइवोर्स अनाउंस किया है। किरण राव और आमिर खान को एक बेटा है, जिसका नाम आजाद राव खान है, जिन्होंने साल 2011 में जन्म लिया था और वो अभी 10 साल का होने वाला है। अभी बात करते हैं बॉलीवुड के एक और फेमस एक्टर ऋतिक रोशन के किड्स के बारे में। ऋतिक रोशन ने साल 2000 में सुजैन खान के साथ शादी की थी। हालांकि ये कपल ने साल 2014 में डाइवोर्स लिया है। वहीं ये कपल को दो बेटे हैं, रिदान रोशन और रेहान रोशन। बड़ा बेटा रेहान रोशन का जन्म साल 2006 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 15 साल। वहीं उनके छोटे बेटे रिदान रोशन का जन्म साल 2008 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 13 साल। बॉलीवुड सिंघम एक्टर अजय देवगन के किड्स की बात करें तो अजय देवगन ने बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के साथ 1999 में शादी की थी। वहीं ये कपल को दो किड्स हैं, जिसमें बड़ी बेटी नायसा देवगन का जन्म साल 2003 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 18 साल। वहीं उनके बेटे युग देवगन का जन्म साल 2010 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 10 साल। सैफ अली खान के किड्स की बात करें तो एक्टर सैफ अली खान ने अब तक दो शादियां की हैं, जिसमें साल 1991 में उन्होंने अमृता सिंह के साथ शादी की थी। वहीं सैफ और अमृता के दो किड्स हैं, जिसमें एक्ट्रेस सारा अली खान उनकी सबसे बड़ी डॉटर है। उनका जन्म साल 1995 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 25 साल। वहीं उनके छोटे बेटे इब्राहिम अली खान का जन्म साल 2001 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 20 साल। वहीं उनके बाद सैफ अली खान और अमृता सिंह ने साल 2004 में डिवोर्स ले लिए थे और उसके बाद साल 2012 में सैफ अली खान ने एक्ट्रेस करीना कपूर खान के साथ शादी की थी। सैफ अली खान और करीना कपूर खान को दो बेटे हैं, जिसमें उनका बड़ा बेटा तैमूर अली खान 4.5 साल का हो गया है और ये कपल ने इस साल फरवरी में उनके दूसरे बेटे जय को जन्म दिया है। अभी बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा कपूर के किड्स के बारे में। वहीं शाहिद कपूर और मीरा कपूर को दो किड्स हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम मिशा कपूर है, जिन्होंने साल 2016 में जन्म लिया था। वहीं साल 2018 में ये कपल को एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिसका नाम कपल ने जैन कपूर रखा है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त ने अभी तक तीन शादियां की हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ऋचा शर्मा के साथ साल 1987 में शादी की थी। संजय दत्त और ऋचा शर्मा को एक डॉटर है, जिसका नाम त्रिशला दत्त है और वो 33 साल की है। वहीं उन्होंने साल 1998 में रेहा पिल्ले के साथ शादी की थी, बट उनको कोई किड्स नहीं थे। और संजय दत्त ने साल 2008 में मान्यता दत्त के साथ शादी की है और ये कपल को दो ट्विंस हैं, जिसका नाम शाहरान दत्त और इकरा दत्त है और उनका बर्थ साल 2010 में हुआ था।
एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्लेबैक सिंगर और प्रोड्यूसर फराह अख्तर के किड्स की बात करें तो फराह अख्तर ने अधुना भवानी अख्तर के साथ साल 2000 में शादी की थी और ये कपल ने साल 2017 में डाइवोर्स ले लिए हैं, परंतु ये कपल को दो डॉटर हैं। अकीरा अख्तर का जन्म साल 2007 में हुआ था, यानी उनकी उम्र है 14 साल। वहीं उनकी दूसरी डॉटर का नाम शक्या अख्तर है, जो कि अकीरा से बड़ी है। एक्टर सोनू सूद के किड्स की बात करें तो सोनू सूद ने साल 1996 में सोनाली सूद के साथ शादी की है। वहीं उनके किड्स की बात करें तो उनके दो किड्स हैं, जिसका नाम ईशान सूद और अयान सूद है। बॉलीवुड एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना के किड्स की बात करें तो एक्टर ने ताहिरा कश्यप के साथ साल 2008 में शादी की है और ये कपल को दो किड्स हैं, विराजवीर खुराना और वरुष्का खुराना, जिसमें विराजवीर खुराना 9 साल के हैं, वहीं वरुष्का खुराना 7 साल की है। बच्चन परिवार के बेटे अभिषेक बच्चन के किड्स की बात करें तो एक्टर ने साल 2007 में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ शादी की है। वहीं उनके किड्स की बात करें तो ये कपल को एक प्यारी सी डॉटर है, जिसका नाम आराध्य बच्चन है। आराध्य राय बच्चन का जन्म साल 2011 में हुआ था, यानी उनकी अभी की उम्र है 9 साल। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के किड्स की बात करें तो एक्टर ने साल 1984 में पूजा देओल के साथ शादी की है और ये कपल को दो किड्स हैं, जिसके नाम करण देओल और राजवीर देओल हैं। आगे बात करते हैं बॉलीवुड के एक और एक्टर गोविंदा के किड्स के बारे में, तो गोविंदा ने सुनीता आहूजा के साथ साल 1987 में शादी की है और ये कपल को दो किड्स हैं, जिसका नाम टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा है। चंकी पांडे के किड्स की बात करें तो एक्टर ने भावना पांडे के साथ 1998 में शादी की थी और एक्टर को दो डॉटर्स हैं, जिसका नाम अनन्या पांडे और रयसा पांडे है। बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान के किड्स की बात करें तो एक्टर ने साल 1998 में मलाइका अरोरा के साथ शादी की थी और ये कपल ने साल 2017 में डिवोर्स ले लिए है और ये कपल को एक बेटा है, जिसका नाम अरहान खान है। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान के किड्स की बात करें तो सोहेल खान ने साल 1998 में सीमा सचदेव खान के साथ शादी की है और ये कपल को दो किड्स हैं, जिसके नाम निर्वाण खान और योहान खान हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।